राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी बेटी संघमित्रा का रोना पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी बेटी को फटकार लगाते हुए कहा कि संघमित्रा को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। स्वामी प्रसाद ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में ये तक कह दिया कि रोना धोना बेहद ही ओछी बात है। मौर्य ने कहा कि पार्टी टिकट काटती है तो भी इस पर किसी को रोने का अधिकार नहीं है। मैं इस तरह की राजनीति और आचरण को पसंद नहीं करता। आपको बता दें कि संघमित्रा बदायूं से सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर दुर्विजय सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। बदायूं में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में वो मंच पर फूट फूट कर रो पड़ी थी, जिससे असहज स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं उनके रोने को लेकर अब उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया। इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी को ही फटकार लगा दी और उन्होंने कहा कि संघमित्रा को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, राजनीति में उतार चढ़ाव का दौर आता जाता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि टिकट कटने पर कोई भी रोने लगे।